Hello, greetings to all of you. Welcome to Let's Crack UPSC with India's largest platform, Unacademy. सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी एग्जाम्स में आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। आज हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत हो रही है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मैं आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जो कि है बेटा करंट अफेयर्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 मई 2020 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम है और आपको मालूम है कि प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपके करंट अफेयर्स की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स में 20 से ज्यादा आ सकते हैं और वो आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है करंट अफेयर्स की तो मैं बता दूं कि इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम्स को देखें और उसके प्रीवियस पेपर्स को देखा जाए तो एक चीज तो समझ में आती है कि भाई साहब, यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है आपके 15 महीनों की करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। 15 मंथ्स का करंट अफेयर बेटा हमें आना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसमें कोई भी डिस्काउंट की उम्मीद मत करिएगा, 15 महीने तो आपको करने ही पड़ेंगे। मतलब ये है कि सच बताऊं तो जनवरी 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक का करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब 15 मंथ्स का करंट अफेयर करना है। तो मैंने सोचा कि इस महीने में क्या करता हूं, आपके लिए 15 सेशन कराता हूं, हर महीने के 25 टॉप क्वेश्चन। मतलब कि हर महीने के 25 टॉप क्वेश्चन करेंगे तो 15 महीने के हम 375 क्वेश्चंस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वो एग्जैक्टली यहीं से उठ कर आए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है मंडे टू थर्सडे दोपहर को 1 बजे, जहां पर बच्चों हम लोग हर एक एक महीने का करंट अफेयर करने वाले हैं। आज हमारा जो पहला करंट अफेयर है वो जनवरी 2019 का है, तो सबसे पहले जनवरी 2019 के जो करंट अफेयर्स है उसको हम कर लेते हैं, जो 25 टॉप क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं कि आप इसमें से कितने सही कर पाते हैं। अपने आप से खुद से मार्किंग करिएगा, ईमानदारी से करिएगा, और अगर आपने 25 में से 15 क्वेश्चन सही करे हैं तो याद रखिएगा कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है, आपकी तैयारी काफी बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी पर आपको क्या क्या मिलता है, सो आपको अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिलते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दीज आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, यू नेम इट वी हैव इट, दे हैव द टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, और ये सभी जो है भारत के सबसे टॉप एजुकेटर्स हैं। दे ऑल आर टीचिंग अंडर द वन रूफ ऑफ अनअकैडमी। सो अनअकैडमी जो है आपको इन सब के साथ पढ़ने का पूरा मौका देता है। और याद रखिएगा, अनअकैडमी पे आप प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल सब्जेक्ट हर चीज की तैयारी कर सकते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से। आप देख सकते हैं कि आपको हर चीज मिलेगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविल सर्विस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शनल कोर्सेज, एवरीथिंग, हर एक चीज इस सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, 1 महीने का 3 महीने का 6 महीने का 12 महीने का 24 महीने का। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1, 3 और 6 महीने में आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छे सब्सक्रिप्शन जो हैं 12 महीने के हैं और 24 महीने के हैं। देखिए, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस 2021 दे रहे हैं तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अगर आप 2022 का दे रहे हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वैसे मैं बताऊं कि आपका 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपए का है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 48,000 का है, तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
अगर आप देखें कि एक महीने का सब्सक्रिप्शन 8,000 में है, 12 महीने का 40,000 में है, दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 48,000 में 24 महीने। मतलब सिंपल है कि 13 महीने की फीस में आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इतना ही नहीं बच्चों, आप मेरा कोड इस्तेमाल करिए QA10, कासिफ अंसारी 10, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 40,000 का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 36,000 में, और 48,000 का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 43,200 में। इतने सस्ते में पूरे भारत में कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल हर एक चीज कवर की जा रही है। सो उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे और अपने आप को एक सिविल सर्वेंट के रूप में जल्दी ही पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी के करंट अफेयर्स। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल फेस्टिवल विच वॉज ऑर्गेनाइज रिसेंटली। देखो बेटा, हॉर्नबिल फेस्टिवल जनवरी 2019 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिफेंस, स्पेस, इन सब के क्वेश्चन ऐसे आपके जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज उसमें बहुत पूछे जाते हैं। सो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल फेस्टिवल से क्वेश्चन है। इट इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड बाय द ट्राइबल्स। सो ये नागालैंड में बनाया जाता है ट्राइबल्स द्वारा, बिल्कुल सही है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव एम इज टू एनकरेज इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन एंड टू प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड। अच्छा, इन दिस फेस्टिवल ऑनर इज गिवन टू द 5 टाइप्स ऑफ हॉर्नबिल्स फाउंड इन द नागालैंड। बहुत बढ़िया है। सो अब पूछा गया है कि कौन सा इसमें से जो है इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो बच्चों, पहले तो मैं बता दूं कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो ये इनकरेक्ट तो होगा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब तीसरे स्टेटमेंट पूछा गया, इन दिस फेस्टिवल ऑनर इज गिवन टू द 5 टाइप्स ऑफ हॉर्नबिल्स फाउंड इन नागालैंड। देखिए, टोटल 9 तरह की हॉर्नबिल्स पाई जाती हैं, जिसमें 5 टाइप की हॉर्नबिल्स जो हैं नागालैंड में पाई जाती हैं। हालांकि जो ऑनर देने की बात है, जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल फेस्टिवल है, उसमें 4 टाइप की हॉर्नबिल्स को ही बच्चों आपका ऑनर दिया गया था, 5वीं टाइप की हॉर्नबिल को नहीं दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा बी, ओनली 3, क्योंकि 3rd स्टेटमेंट जो है यहां पर गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। सो राइट आंसर विल बी बी, दैट इज ओनली थ्री इज द रॉन्ग आंसर। तो पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है। दूसरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसेंट रिजर्वेशन गिवन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। आपने सुना होगा, काफी फेमस हुआ था, आपने देखा होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है हमारे देश में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो है 10% रिजर्वेशन दिया है। आपने सुना होगा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। सो इट वॉज पास्ड एज द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। दिस अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 16(6) इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आर आइडेंटिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली इनकम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। सो भाई, एक चीज याद रखिएगा, 10% रिजर्वेशन जो EWS को मिला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में मिला है, बिल्कुल सही है। इसके वजह से आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल सही है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस आर आइडेंटिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फैमिली इनकम के साथ साथ लैंड होल्डिंग्स भी इसमें हैं। अगर आपके पास 100 गज जमीन है, 100 यार्ड जमीन है, सो अगर 100 यार्ड से ज्यादा जमीन है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में नहीं माने जाएंगे। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2 इज करेक्ट, लेकिन 3rd स्टेटमेंट यहां पर गलत है। देखो बच्चों, बारीकियां मालूम होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे, जब तक बारीकियां नहीं मालूम होगी आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सरोगेसी बिल 2018 विच इज रिसेंटली टेबल्ड इन द पार्लियामेंट विल पुट बैन ऑन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग। बताओ बेटा, आपको मालूम होगा सरोगेसी बिल हमारे देश में जनवरी 2019 में पेश किया गया। ये कमर्शियल सरोगेसी पे रोक लगाएगा, अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी पे रोक लगाएगा। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द फॉलोइंग, जल्दी बताइएगा।
ठीक है, तो जल्दी बताइए कौन सी सरोगेसी पे रोक लगाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सो कमर्शियल सरोगेसी का मतलब होता है कि अपनी कोख को जो है किराए पर देना और उससे पैसा लेना। सो पैसा ले करके जो है कोख किराए पर देना, इसे बेटा कमर्शियल सरोगेसी कहते हैं। अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी का मतलब है कि आपने किसी के लिए, किसी के भले के लिए अपनी कोख दी लेकिन उसके लिए पैसा नहीं लिया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आपने जो है अपनी कोख को दिया है किसी इंसान को। और याद रखिएगा कि ये जो है क्लोज फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स ही ऐसा कर सकते हैं। सो अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी जो है वो तो ठीक है, हमारे देश में अलाउड है, लेकिन कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाने की बात की गई है। सो राइट आंसर याद रखिएगा कि रिसेंटली टेबल्ड इन पार्लियामेंट विच विल बैन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये बैन लगाएगा बेटा कमर्शियल सरोगेसी पर, अल्ट्रोस्टिक तो अलाउड है। सो राइट आंसर जो होगा ओनली वन हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। कमर्शियल सरोगेसी मतलब आप जो हैं कोख इसलिए ना दें कि आप उससे पैसा कमा सकें, पैसा कमाने के पर्पज से कोख नहीं दी जा सकती, याद रखिएगा। दियत इज रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा था कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाई जाएगी हमारे देश में, राइट आंसर ए है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर द लिटरेली वर्क। बहुत अच्छी बात है, सही बात है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है लिटरेचर वर्क के लिए दिया जाता है, काफी बड़ा प्राइज, काफी बड़ा अवार्ड होता है, इसमें 11 लाख रुपए का प्राइज मनी भी मिलता है। नोटेड मलयालम पोएट अखितम हैज बीन अवार्डेड फॉर द ईयर 2019 ज्ञानपीठ अवार्ड। तो मलयालम पोएट थे अखितम, उन्हें जो है 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है मलयालम पोएट्री के लिए, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का बोथ 1 और 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा ज्ञानपीठ अवार्ड में जो प्राइज मनी होती है वो करीब 11 लाख रुपए होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कड़कनाथ चिकन। कड़कनाथ चिकन के बारे में आपने सुना होगा, इट इज द ब्रीड बाय द ट्राइबल, इट इज ब्रेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट झबुआ एंड धार फ्रॉम द मध्य प्रदेश। दिस चिकन हैज ऑल्सो बीन गिवन अ GI टैग एंड GI टैग इज एन इंडिकेशन टू अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आर इनकरेक्ट। सो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो हम कहेंगे बेटा ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, याद रखिएगा ऑल आर करेक्ट। सो कोई भी इसमें से इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि यार ये ब्रेड किए जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज झबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। दिस चिकन हैज ऑल्सो बीन गिवन अ GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और आपको मालूम है अभी रिसेंटली हमारे यहाँ GI टैग कई चीज़ों को दिया गया था, जैसे कंडामल हल्दी को दिया गया है, रसोगुल्ला को दिया गया है, याद रखिएगा। सो GI टैग जो होता है इंडिकेशन टू अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी, राइट आंसर डी होगा, ऑल आर करेक्ट। सो इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019, काफी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना बेटा जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, अब जो है दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का जो है दर कम है, अब दुनिया भर में अलग तरह की क्राइसिस होती हैं। अब तो क्राइसिस जो है इन्फेक्टियस डिजीज से हो सकती है, क्लाइमेट चेंज एक बेटा रिस्क फैक्टर है बहुत बड़ा। सो याद रखिएगा इसके लिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकाली गई 2019 में। स्टेटमेंट कहता है इट इज पब्लिश बाय द UNDP। दिस रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स अबाउट द 5 मेजर ग्लोबल रिस्क। दिस रिपोर्ट सबमिट्स अ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एज अ ग्लोबल रिस्क। सो बात यह है, पहली चीज पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बच्चों ये रिपोर्ट जो है UNDP नहीं बल्कि ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है, तो याद रखिएगा पहली चीज। दिस रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स अबाउट द 5 मेजर ग्लोबल रिस्क, ये तो सही है। दिस रिपोर्ट सबमिट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ये भी सही है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा, ओनली वन। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों जो स्टेटमेंट 2 है और 3 है वो सही है। जो पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ईस्ट एशिया समिट। बहुत फेमस है ईस्ट एशिया समिट, के बारे में आपने सुना होगा। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2005, बिल्कुल सही है, 2005 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद 2019 द 14th ईस्ट एशिया समिट वॉज हेल्ड इन थाईलैंड, बैंकॉक में हुई है, बिल्कुल सही है। इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस समिट बट ओनली द ऑब्जर्वर मेंबर, गलत बेटा, याद रखिएगा इंडिया जो है वो बकायदा इसका फाउंडिंग मेंबर है।
इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, याद रखिएगा। सो राइट आंसर बेटा डी हो जाएगा, ओनली टू, क्योंकि टू स्टेटमेंट जो है यहां पर गलत है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस बढ़िया लग रहे हैं तो लाइक बटन दबाते रहा करिए और शेयर करते रहा करिए ताकि और भी लोग हमारे इस क्वेश्चंस को देख सकें। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विच आर मच इन न्यूज। ईवीएम्स के बारे में आप सुनते हैं, हमारे देश में काफी न्यूज में रहता है, ईवीएम हैकिंग वगैरह को सुना होगा आपने। ईवीएम्स वर फर्स्ट यूज, याद रखिएगा, इन द 1982 केरला असेंबली इलेक्शन। द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट वॉज द फर्स्ट अमेंडेड इन 1988 टू अलाउ द यूसेज ऑफ ईवीएम। एट प्रेजेंट देर इज 100% यूज ऑफ वीवीपैट इज कंपल्सरी विद ईवीएम। आपने सुना होगा वीवीपैट सिस्टम, जब हमारे देश में काफी ज्यादा बवाल हुआ, ईवीएम हैकिंग को लेकर एक सिस्टम लाया गया, वीवीपैट सिस्टम, जिसे वेरीफाइड वोटर्स पेपर ऑडिट ट्रेल के नाम से जाना जाता है, कि जब आप वोट डालते हैं तो अंदर से पर्ची निकलती है कि आपका वोट किस व्यक्ति और किस पार्टी को गया है। तो जाहिर सी बात है तीनों स्टेटमेंट सही हैं, याद रखिएगा। यहां पर राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, स्पेस डिप्लोमेसी इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग स्पेस टू कंडक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेस डिप्लोमेसी इन इंडियाज कंटेक्स्ट। देखो बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहते हैं ना कि स्पेस भी इतना बड़ा मार्केट हो चुका है, इतना बड़ा टॉपिक हो चुका है कि अब स्पेस पर भी जो है, याद रखिएगा, स्पेस पर भी डिप्लोमेसी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। As a part of this diplomacy, India has allowed SAARC countries to use its regional positioning system called NAVIC. बिल्कुल सही है। India collaborated with Japan Aeronautics Industry, जिसका नाम है JAXA, during the Chandrayaan mission. India has set up more than 500 terminals and 5 big space station in the neighboring countries. बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा, इंडिया ने NASA के साथ collaborate किया था, JAXA के साथ नहीं किया था। सो राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। पूछा है कि राइट आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी होगा, 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड पेरिस कॉल हैज बीन इन द न्यूज, व्हाट इज इट अबाउट। बेटा, ये पेरिस कॉल क्यों आया था? आपने सुना होगा काफी फेमस था पेरिस कॉल, ये साइबर गवर्नेंस के लिए था, यूरोपियन यूनियन रेफरेंडम क्राइसिस को लेकर था, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स ऑन द पोल्स को लेकर था, या कॉल टू कंटेन रेफ्यूजी क्राइसिस। याद रखिएगा बेटा, पेरिस कॉल जो है बेसिकली इंटरनेट से रिलेटेड था, और ये बेसिकली ये था कि दुनिया में जिस तरह से साइबर की चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, तो साइबर का गवर्नेंस कैसे होगा। सो साइबर गवर्नेंस के लिए बेटा ये पेरिस कॉल बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए होगा। 11 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, देखिए, इट इज कैरेक्टराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय द IUCN रेड लिस्ट। आपको मालूम होना चाहिए IUCN जो है बताता है कि कौन से डेंजर्ड, कौन से एनिमल्स जो है एंडेंजर्ड हैं, कौन एक्सटिंक्ट हैं, किसके लिए लीस्ट कंसर्न है। सो इसको बताया गया है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इट्स पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड इन गुजरात और वर्ल्ड वाइड वाइल्ड फंड इज वर्किंग इन इंडिया टू सेव दिस स्पीशीज। देखो बेटा, एक चीज तो सही है, करेक्ट आंसर बताना है। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो है ये, और इंडिया WWF के साथ काम कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा इसकी पॉपुलेशन जो है वो गुजरात में नहीं, भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलती है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी होगा, 1 और 3 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच सिटी इज अनाउंस्ड एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर बाय द यूनेस्को इन 2019। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कौन से शहर को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर बनाया गया है? जाहिर सी बात है उस शहर में बहुत शानदार आर्किटेक्चरल डिजाइंस होंगी। रियो डी जेनेरियो है पेरिस में, अरे सॉरी, ब्राजील में, पेरिस है फ्रांस में, फिलाडेल्फिया है US में, या दुबई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। सो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर बेटा बताया गया है, बहुत ही फेमस शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, जो कि एक बहुत ही फेमस शहर है, जो कि आपका ब्राजील में है, जहां पर 2016 का ओलंपिक गेम्स भी खेला गया था, याद रखिएगा, जहां पर वर्ल्ड फेमस जो है जीसस क्राइस्ट की स्टैचू है, याद रखिएगा। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ कपल्स ग्रेव इन द फेमस साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, नेम द साइट।
सो अभी आपने देखा होगा कि जनवरी 2019 में जो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में एक साइट से जो है बेटा कपल्स ग्रेव मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो, ढोलावीरा, राखीगढ़ी या सुरकोटडा। सो मैं आपको बता दूं कपल्स ग्रेव जो है वो पाई गई है, याद रखिएगा, राखीगढ़ी से। और राखीगढ़ी एक बड़ी फेमस साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि हरियाणा में है। और याद रखिएगा इस समय जो प्रेजेंट हैं अवेलेबिलिटी उसके हिसाब से राखीगढ़ी जो है बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मानी जाती है। रिसेंटली गांधी सर्किट हैज बीन डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अभी रिसेंटली जो है जनवरी 2019 में गांधी सर्किट बनाया गया है। यह गांधी सर्किट कौन से स्टेट्स में बनाया गया है? याद रखिएगा गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा आपको मालूम है कि गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1917 में चंपारण से की थी, जो कि बिहार में है। और बिहार में जहां जहां वो गए थे वहां वहां जगहों पर बेटा गांधी सर्किट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। गांधी सर्किट जो है वो आपका बिहार में बनाया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ASER एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट। सो ASER एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, देख लीजिए, इट इज पब्लिश बाई NGO नेम्ड प्रथम। दिस रिपोर्ट फोकस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन इन रूरल इंडिया। दिस रिपोर्ट स्टेटेड दैट द कंसर्न स्टेट्स ऑफ द पुअर मैथमेटिकल स्टिक्स इन प्राइमरी ग्रुप चिल्ड्रेन। बहुत बढ़िया पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया इट इज पब्लिश बाय NGO नेम प्रथम, बिल्कुल सही है। दिस रिपोर्ट मेनली फोकसेस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। नहीं बेटा, ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों को देखती है। ASER एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट सेकंड तो गलत हो गया। दिस रिपोर्ट स्टेटेड दैट द कंसर्न स्टेटस ऑफ द पुअर मैथमेटिकल स्किल्स इन प्राइमरी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, बिल्कुल सही है। राइट आंसर सी होगा, 1 और 3। याद रखिएगा ASER एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी होगा, 16। ईयर 2019 इज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स याद रखिएगा बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कॉरपोरेशन है, या तो आपका UNDP है, UNGA है, या इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। राइट आंसर इज UNGA, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी है। 17 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ई वे बिल, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे देश में लॉजिस्टिक्स और ट्रेड और कॉमर्स को बेहतर करने के लिए ई वे बिल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए, इट इज अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस कैरिंग अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स और वैल्यूज एक्सीडिंग ₹550,000 फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अच्छा, इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ सेपरेट ट्रांजिट पासेस। वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल इज डिफाइंड फॉर 1 year फ्रॉम द इशू डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो बहुत सिंपल है, ई वे बिल की बात आती है तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस कैरिंग अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एंड वैल्यूज एक्सीडिंग ₹50,000 सही है। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ सेपरेट ट्रांजिट पासेस, बिल्कुल सही है। आपको हर जगह ट्रांजिट पास नहीं बनवाने की जरूरत है, लेकिन इसकी वैलिडिटी 1 साल नहीं होती है, जितना टाइम आपको उस जगह पे पहुंचने का होगा सिर्फ उतने दिन के लिए होती है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए होगा, 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसेंट मर्जर्स ऑफ द PSBs। PSBs के बारे में सुना होगा, क्वेश्चन नंबर 18, जिसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं। देखो बेटा, द CCEA कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज रिसेंटली मर्ज्ड स्टेट रन विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड देना बैंक। अच्छा, पूछा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा इज द ट्रांसफरी बैंक व्हाइल द अदर टू बैंक्स आर द ट्रांसफरी बैंक्स। ओके, इफ इट इज नॉट द फर्स्ट एवर 3-way बैंकिंग मर्जर। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर ध्यान से पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर रिसेंटली मर्ज विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक एंड देना बैंक, बिल्कुल सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा इज द ट्रांसफरर नहीं बेटा, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ट्रांसफरी बैंक है, जबकि अदर टू बैंक्स आर द ट्रांसफरर बैंक्स। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इट इज नॉट द फर्स्ट एवर 3-way बैंकिंग मर्जर, बेटा ये भी गलत है, क्योंकि पहली बारी हुआ है 3-way बैंक मर्जर।
क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली कोटक पैनल रिपोर्ट वॉज इन न्यूज। कोटक पैनल रिपोर्ट क्वेश्चन नंबर 19 किस चीज से रिलेटेड है, जल्दी बताइएगा। कोटक पैनल रिपोर्ट किस चीज से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 19, इंप्रूवमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नर स्टैंडर्ड ऑफ फर्म्स, पुअर स्टेटस ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन कंटेक्स्ट टू एनपीए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ BS6 नॉर्म्स इन ऑटो इंडस्ट्री, अबाउट एंजल इन्वेस्टमेंट इन इंडियन फर्म्स, जल्दी बताइएगा। सो कोटक पैनल रिपोर्ट आपने सुना होगा, कोटक पैनल रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा। कोटक पैनल रिपोर्ट बेसिकली इंप्रूवमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ फर्म्स। बहुत बढ़िया। सो बेटा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेन 18। काफी अच्छा, काफी फेमस, आपने सुना होगा ट्रेन 18, ट्रेन 20 के बारे में काफी पॉपुलर हुई थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की शुरुआत। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वंदे भारत एक्सप्रेस, बिल्कुल सही है। और पहली ट्रेन जो है बेटा दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी, बिल्कुल सही है। इट वॉज मेड इन द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, बिल्कुल बेटा ये मेड इन इंडिया है, ICF चेन्नई में बनाई गई। इट इज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, बिल्कुल सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 20 का डी हो जाएगा। 21 पर आते हैं, द राइज रिपोर्ट which is recently been published by the World Bank is related to, RISE report किससे जुड़ी हुई है, question number 21 देखिए, question number 21 को देखें तो rising of poles temperature due to the climate change, technology transformation in developing nations, sustainable energy, tribal rights worldwide, बेटा देखो RISE report जो है जो अभी रिसेंटली पब्लिश की गई थी वर्ल्ड बैंक को लेकर, और आजकल ज्यादातर जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं वो क्या है बेटा, एक तो क्लाइमेट चेंज है, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के अलावा जो मेन एरियाज ऑफ कंसर्न्स हैं हमारे वो हैं बेटा सस्टेनेबल एनर्जी, मतलब हम ऐसी एनर्जी पर फोकस करें जो कि आने वाले समय में भी हम उसे सस्टेन कर पाएं। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जो एनर्जी फिलहाल हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल है वो तो अब खत्म होने की कगार पर आ जाएगी कुछ समय बाद, तो इसलिए सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें ढूंढनी है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स GRAMS हेल्प्स द फार्मर्स टू अबाइड द प्रोविजंस ऑफ APMC एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, बहुत बढ़िया है, विच बिकम्स एन एक्सप्लॉयटेशन टूल फॉर द फार्मर्स एट द मंडी लेवल। अच्छा, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स विल बी लिंक टू द APMC, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो बेटा यहाँ पर पूछा गया है, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स हेल्प द फार्मर्स टू अबाइड बाई द प्रोविजंस ऑफ द APMC Act which become an exploitation tool for the farmers at the mandi level, बिल्कुल सही है। ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स विल बी लिंक टू APMC, बिल्कुल सही है बेटा, एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी से जुड़ी होंगी ताकि जो है कोई मनमानी ना कर पाए। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का सी होगा, बोथ 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेक्निकल टेक्सटाइल, काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक तो है टेक्सटाइल्स और एक होती है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब ऐसी चीजें जो कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स बनाती हों। दीज आर द टेक्सटाइल मटीरियल्स प्राइमली फॉर द टेक्निकल परफॉर्मेंस रेदर देन डेकोरेटिव एंड एस्थेटिक यूज। इंडिया हैज 5% शेयर इन द ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट, देर आर 12 कैटेगरीज अंडर दिस टेक्निकल टेक्सटाइल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड इंडस्ट्रियल जैकेट्स कम अंडर द प्रोटेक्स कैटेगरी टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है तो PPE जो प्रोटेक्टिव हमारे जो बेटा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, मास्क हैं, ये सब क्या हैं, ये सब बेटा टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर ही आते हैं। दीज आर द टेक्सटाइल मटीरियल प्राइमली फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस रेदर देन डेकोरेटिव एस्थेटिक यूज, बिल्कुल सही है। इंडिया का 5% शेयर है ग्लोबल टेक्सटाइल में, 12 कैटेगरीज इसके अंदर हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट्स इंडस्ट्रियल जैकेट्स इसमें से एक हिस्सा है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन नेवी हैज रिसेंटली कमीशनड अ न्यू एयरबेस नेम्ड INS कोहासा एट, कहां पर है, 100 miles नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, साउथ चाइना सी इन पाक स्टेट, इन अरेबियन सी नियर द गल्फ ऑफ कच्छ। देखो बेटा अगर आप देखेंगे इंडियन नेवी ने रिसेंटली जो है कमीशन किया न्यू एयरबेस जिसका नाम है INS कोहासा, और INS कोहासा को कहां पर बेस किया गया है याद रखिएगा, 100 miles नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
सो 100 माइल्स नॉर्थ ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर के आसपास, पोर्ट ब्लेयर से 100 माइल्स दूर है, और याद रखिएगा ये आपका कहां पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, आईएनएस कुहासा। इडू मिशमी ट्राइब विच स्टेट रिसेंटली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व एंड डिमांडिंग फॉर कल्चरल मोड ऑफ कंजर्वेशन। देखो बेटा नाम से ही मालूम चल रहा है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने सुना होगा, दिबांग वैली के बारे में सुना होगा, आबोर एंड मिशमी नाम की हिल्स सुनी होंगी, नाम समझ में आ जाएगा कहां पर है। सो इडू मिशमी ट्राइब विच ऑफ विच स्टेट रिसेंटली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व एंड डिमांडिंग फॉर कल्चरल मोड ऑफ कंजर्वेशन। राइट आंसर इज बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया बेटा आज के 25 क्वेश्चन जनवरी के। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इसे खूब एंजॉय किया होगा। सो इसी तरह हम लोग 15 महीने के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। आप सिर्फ इनको ही कर लें तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा कोड याद रखिएगा QA10 और लेट्स क्रैक द UPSC एग्जामिनेशन। अनअकैडमी का नारा है लेट्स क्रैक इट। एग्जाम को हमें निकालना नहीं है, जड़ से उखाड़ देना है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।